किसान भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष प्यारेलाल शर्मा की अध्यक्षता में स्वच्छता अभियान महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री के 69वें जन्मदिवस को लेकर 69 दिए जलाकर जन्मदिवस मनाया। यज्ञ में आहुतियां डालकर सभी ने मोदी की दीर्घायु की कामना की और जश्न मनाया। शर्मा ने कहा कि भाजपा पूरे देश में सेवा सप्ताह मना रही है, जिसके चलते यह कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। यह सेवा सप्ताह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर आयोजित किया जा रहा है। प्यारेलाल शर्मा ने कहा कि देश को मोदी के रूप में जो नेतृत्व मिला है, अब वह नहीं खोना है और देश को पुनः विश्व गुरु बनाना है। सेवा सप्ताह पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें सभी भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। जिस प्रधानमंत्री ने आज देश को परम वैभव पर पहुंचाया है, उसके प्रति लोगों की आस्था है। इस मौके पर स्थानीय क्षेत्र के गरीबों को कंबल बांटकर सहायता भी प्रदान की गई। वहीं एपीएमसी के चेयरमैन अजय शर्मा विशेष रूप से भी मौजूद रहे। भारत के श्रद्धे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जन्म सप्ताह भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में बड़े उत्साह के साथ मना रही है। 14 सितंबर से लेकर के 20 सितंबर तक लगातार भारतीय जनता पार्टी इसको सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। और इसी कड़ी में आज हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के बरोहा में स्वच्छता अभियान किया गया, और इसके साथ साथ यहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लंबी आयु के लिए हवन का भी आयोजन किया गया है। और इसके साथ साथ 69वां जन्मदिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मनाया जा रहा है, तो 69 दिए यहां पर जलाए जाएंगे। और बड़े हर्षोल्लास के साथ सभी कार्यकर्ताओं ने, ग्रामीण यहां के गांव के सभी लोगों ने इस स्वच्छता अभियान में भी भागीदारी की है, और यहां हवन यज्ञ में भी सभी महिलाओं की, नौजवानों की बहुत भागीदारी रही है। हम एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लंबी आयु की कामना करते हैं, उनके स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। लंबे समय तक इस देश को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व मिलता रहे, और उनके नेतृत्व में भारत एक बार फिर विश्व गुरु बने, यही हमारी कामना है। एक बार फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना। पीआईटीवी के लिए हमीरपुर से विकास की रिपोर्ट।